एक जूता पहना हुआ है जी, दूसरा जूता पहनने का दिख रहा है, उसमें सांप है, हमको काट लिया है। काट लिया है? कौन पैर में काट लिया, दिखाइए पहले। देखिए इस पैर में हमको काटा है। काटा है कि नहीं? जी जी जी, मतलब हल्का सा मारा है, देखिए। यही का हुआ जा रहे थे बाहर। हाँ, एक जूता पहन लिया, दूसरा जूता पहनेंगे, देखो उसमें सांप हमको काट लिया है। कहा हुआ, फिर से बोलिए एक बार। बबला, हम जा रहे थे बाहर। हाँ, एक जूता पहन लिए, एक जूता पहना हुआ है जी, दूसरा जूता पहनने का देखो उसमें सांप है, हमको काट लिया है। काट लिया है? कौन पैर में काट लिया, दिखाइए पहले। देखिए इस पैर में हमको काटा है। काटा है कि नहीं? जी जी जी, मतलब हल्का सा मारा है। काटा नहीं है, काटा नहीं है। किस जगह पर मारा है बताइए? यहाँ पे नीचे में। नीचे में? जी जी। कुछ नहीं है, सामने थोड़ा सा सामने देखिए, दिखाइए जी, कुछ नहीं हुआ है जी। देखिए सांप, देखिए जूते के अंदर किस प्रकार से घुसा हुआ है। जी, जी, यही सांप है? जी जी, यही सांप है। चलिए चलिए, आपको काटा नहीं है सांप, चिंता मत कीजिए। फिर हम एक बार देख लेंगे। इंग्लिश रसल वाइपर, हिंदी बहरा जोड़ा, बंगला चंद्रबुड़ा के नाम से जानते हैं। हालांकि ये सांप जो है न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन इसमें पाया जाता है, और ये सांप किसी इंसान मनुष्य को अगर काट ले तो फिर ब्लड को क्लॉट कर देता है, जमा देता है। देखिए ये डर के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम खाली कैमरा में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप डरिए मत, आपको सांप नहीं काटा है। देखिए एक पैर में जूता पहना हुआ है, देखिए। जी जी, एक पहन लिया, दूसरा पहन लिया, देखिए उसमें सांप है। देखिए यही है रसल वाइपर, थोड़ा सा सामने आके दिखाइए। और इधर बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण सांप जो है, जगह नहीं मिल रहा सांप को छूटने का, और वो किसी के जूते में, किसी के घर के आंगन में, किसी के घर में घुस जा रहे हैं। और ये सांप को दिखाइए, हमें नहीं, आप लोग सावधान रहें अब, क्योंकि आपके साथ कभी भी ऐसा दुर्घटना हो सकता है। देखिए यही है ओरिजिनल रसल वाइपर, यही है बहरा जोड़ा, यही है चंद्रबोड़ा, और इसे हम लोग डोबिया रेजुलस के नाम से जानते हैं। हालांकि ये सांप में न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, काटने के बाद इंसान मनुष्य का खून जो है क्लॉट कर देता है, जमा देता है। तो देखिए जूते के अंदर से किस प्रकार से निकल रहा है, इतना बड़ा है, क्या आपको हम बोले। नीचे लग रहा, रखा हुआ था जूता ना? जी जी, रखा हुआ था। रखा हुआ था ना, और वहीं पहनने गए हैं आप? पहनने गए हैं। देखिए अभी तो रसल वाइपर घुसा हुआ है, और आपके जूते के अंदर अभी ज्यादातर कॉमन करे, जिसे हम लोग कलाज के नाम से जानते हैं, वो घुसा रह सकता है। ये सांप का हिसिंग साउंड सुन लीजिए, और कभी भी ये सांप अगर आपको दिखलाई दे दे, सांप को कभी भी अगर ये सांप आपको दिखलाई दे दे, तो इसे बाड़ू सांप या फिर अजगर का बच्चा समझकर हाथ से टच करने का, छूने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर प्रयास करते हैं तो फिर मरना निश्चित है। आज देखिए किस प्रकार से जूते के अंदर से निकला सांप, और ये आदमी को सांप ने काट लिया, डस लिया। तो ये सांप के मुंह में एशिया का सबसे बड़ा जहरीला दांत पाया जाता है, जो आपके शरीर में घुसते ही लगेगा गर्म रॉड की तरह घुस रहा है। घुसने के बाद एक बूंद जहर आपके शरीर में जहां गया, तो इसके काटने पर आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाना है। बैठिए, आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाना है, और जाने के बाद क्या करना है, डॉक्टर के पास इलाज कराना है। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, क्योंकि तंत्र मंत्र झाड़ फूक ओझागुनी के चक्कर में आज तक ना ही किसी का जान बचा है, और आगे ना ही किसी का बचेगा। और गर्मी इतना अत्यधिक दे रहा है, सांप का निकलना दोस्तों इसमें लाजमी है, और पानी सांप के बिल में घुस रहा है, और घुसने के बाद सांप जो है छटपटा जा रहा है, और उसी में क्या हो रहा है, सांप निकलकर किसी के घर में घुस जा रहा है, किसी के तकिए के ऊपर, तो किसी के पेट के अंदर, मतलब शर्ट के अंदर, तो किसी के जूते के ऊपर। और ये नेचुरल चीज है, नेचर से बनाया हुआ सांप, जिसे हम लोग रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। इसका हिसिंग साउंड की एक बार गौर कीजिए, ये आपको अलर्ट कर रहा है, हमसे दूरी बना ले, नहीं तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसके काटने पर इंसान, हमने सुना है, बच जाते हैं, लेकिन जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपका जान सांस चलेगा, आपका पैसा खत्म, आपका सांस खत्म, क्योंकि इसके अंदर हीमोटॉक्सिन का वो पॉइजन पाया जाता है जिसकी काटने पर इंसान का डेली डायलिसिस करना जरूरी बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, हाँ, डायलिसिस करना पड़ेगा डेली। तो कभी भी ऐसा सांप आपको काट ले, हमें काट ले, कहाँ जाना है, सरकारी सदर अस्पताल। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र, आप कैसे जान गए जो हम सांप पकड़ते हैं कहाँ देखे हैं? मतलब आप देखे थे यही पे सामने में, पंचायत में, पंचायत में हमको देखे थे सांप पकड़ते हुए, हम आए हैं, और ये नंबर निकाल कर कहीं से कॉल किए हैं ना जी, नंबर निकाल कर कॉल किए हैं, और कॉल के माध्यम से आ गए हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए।
और देखिए क्या होता है, इसके काटने पर इसके शरीर में देख रहे हैं कॉइन कॉइन का दागी बना हुआ है, देख रहे हैं ना, उसी प्रकार से आपके शरीर में हो जाएगा, मतलब उसी टाइप का, हाँ, सड़ने और गलने लगेगा। तो चलिए अच्छा बात है, आप सांप देकर हमें बुला लिए हैं, क्योंकि ये सांप को हाथ से टच करना मतलब मौत को दावत देना। और आपने देखा होगा बहुत स्नेक सेवर को इतना ऊपर ऐसे करके पकड़ा हुआ है, इसको पूछ से भी ना पकड़े, आप मेरा सलाह है, पूछ से अगर पकड़ते हैं तो इतना ऊपर जंप करके आपको ये काट लेगा, जरूर काट लेगा। और काटने के बाद उस जगह पे पी भर जाना, बहुत तेजी से सूजन आ जाना, तब आप समझ जाइए जो आपको आपके अंदर जहर चला गया और आपका अंतिम समय आ चुका है। तो कभी भी आपको फिर से एक बार कहना चाहते हैं, सांप काट ले तो लोगों के भीड़ से दूरी बनाइए, क्योंकि लोग आपको हार्ट अटैक से मरा देंगे। आपको बोलेंगे कोई जहर वाला सांप काट लिया, अगर ढोंड सांप भी काट लिया बोलेगा पानखोरिस काट लिया, तो पानी में रहने वाला जल खोरिस काट लिया, तो ये काट लिया वो काट लिया, आप समझ रहे हैं, आप खुद समझदार होंगे। देखिए आवाज सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं आवाज को, मतलब लगा कि प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के जैसा आवाज, इसका आवाज ही है प्रेशर कुकर, सामने थोड़ा सा देखिए मतलब काट रहा है ना, होंगे इसलिए आपका जान बच गया, नहीं तो आपको भी काट लेता ये था। जी काट लेता, मैं तो बच गया, आप बच गए, आ भी जाए जल्दी, चलिए थैंक यू, शुक्रिया अदा हमें मत जनाइए, हम आपको शुक्रिया अदा जनाते हैं, क्योंकि ऐसे सांप को लोग मार डालते हैं, आप लोग क्या करते हैं सांपों को बचाते हैं, देखिए आपका जान लेने के लिए बैठा हुआ था फिर भी आप सांप को बचा रहे हैं, ये जब तक आप छेड़छाड़ नहीं करोगे तब तक ये आपको छेड़ेगा नहीं, नहीं नहीं छेड़ेगा, इसीलिए इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, सांप हमारे तरफ से आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये फॉल्स वीडियो बन रहा है, आपको पैसा देकर वीडियो बना रहे हैं, वो ओरिजिनल है, हकीकत है, पैसा देकर वीडियो नहीं ना बना रहे हैं, तो ऑडियंस को बताइए अगर पैसा देकर वीडियो बना रहे हैं, हकीकत है, हमने जूता पहनने गया और हमारे साथ ऐसा घटघटना, देखिए बहुत लोग कहते हैं हम पैसा देकर वीडियो बनाते हैं या फिर फॉल्स वीडियो बनाते हैं, ऐसा सोचिए मत, क्योंकि सोच को अपना पॉजिटिव बनाइए, वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करें, ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट लाइक शेयर हमारे लिए ना, हमारे कैमरामैन अनिल जी के लिए, आप उनको भी एक कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए क्या करिए, सांप को लेकर चले जाएं या फिर यहीं छोड़ दें, ले जाइए ले जाइए, जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम। तो आ गए हैं दोस्तों उसी अंदाज में सांप को रिलीज करने के लिए वो पर्यावरण में, क्योंकि ये सांप का जगह ही है ये पर्यावरण, और देखा आपने किस प्रकार से ये शख्स को सांप ने बस जंप करके काटा नहीं, क्योंकि आज यमराज जी जो है वो छुट्टी पर थे, हमें जितना दूर लगता है, क्योंकि आज शनिवार रविवार को दो दिन छुट्टी में रहते हैं, हमें जितना दूर लग रहा है, क्योंकि आप लोग ऐसा करने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये सांप जो है रसल वाइपर ये यमराज से डायरेक्ट व्हाट्सअप में वार्तालाप करता है, तो कभी भी अगर ऐसा सांप आपको दिखलाई दे दे, हमें कोई भी सांप दिखलाई दे दे, ये सांप नहीं कोई भी सांप दिखलाई दे दे, तो सांप से आप भागिए, कोई अगर कहता है उसे पकड़िए, पकड़िए मत, क्योंकि वो समझ लीजिए आपका जान उस दिन आखिरी होने वाला है, तो कभी भी कोई सांप दिखलाई दे दे तो पीछे 4-5 कदम आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले ले और घर दौड़कर, नहीं तो फिर आपका जान चला जाएगा। चलिए किस प्रकार से ये सांप को हम लोग रिलीज करते हैं ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं, रेस्क्यू से ज़्यादा रिलीज करने का मज़ा ही कुछ अलग लगता है। चलिए वो चला जाएगा, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं, वीडियो को एक दूसरे से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।